विकासनगर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आरटीओ कार्यालय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक जागरूकता वाहन रैली भी निकाली गई, जिसे स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में गाड़ियों पर लगी तख्तियां, बैनर व लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई। विकासनगर से संवाददाता इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। ये जो सड़क सुरक्षा माह जो गतिमान था, इसमें पुलिस विभाग और जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा निरंतर रूप से संबंध में गोष्ठियां आयोजित की गई, लोगों में प्रचार प्रसार किया गया। इसी क्रम में आज यहाँ आरटीओ कार्यालय में भी ये आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग सभी लोग सम्मिलित हुए। उसका मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों, उनके परिवारजनों को तथा समस्त नागरिकों को सड़क सुरक्षा उपायों और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जोर किया गया दिया गया। ये परिवहन विभाग की तरफ से एक निरंतर चलने वाला अभियान है। पहले सड़क सुरक्षा दिवस होता था, फिर जैसा आरटीओ साहब ने बताया सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया, अब सड़क सुरक्षा माह। उद्देश्य सिर्फ ये है कि जागरूकता अधिक से अधिक इस बात के लिए फैलें, जो असावधानियों बस दुर्घटनाएं होती हैं, वाहन चालकों की असावधानी बस, और इतना ही नहीं जो उनसे होती है वो ना हो, वो तो उद्देश्य है ही, लेकिन जो दूसरे लोग, चाहे वो नॉन कॉमर्शियल प्राइवेट वाहन चलाने वाले हैं, वो भी बहुत असुरक्षित तरीके से चलते हैं। तो एक जिम्मेदार चालक वो होता है जो खुद तो दुर्घटना ना हो इस बात की पूरी सावधानी रखता है, लेकिन दूसरों की असावधानियों को भी ध्यान रखता है। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है हमारा, ये 15 फरवरी तक रहेगा। इसमें हमने आज सड़क सुरक्षा वाहन रैली निकाली गई है, जिसमें माननीय विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया और उनके द्वारा सभी वाहन चालकों को संबोधित किया गया और सड़क सुरक्षा के विषय में बहुत जागरूक किया गया।